नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जो शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे 6-8 के योग के बारे में। 6-8 का योग क्या होता है, इसके बारे में आज विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, जब हम कभी किसी मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, अगर कोई वस्तु खरीदना है, वाहन खरीदना है, या फिर किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकालना है, तो हम जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी जब मुहूर्त बताते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि इस दिन जो है आपका चंद्रमा जो है वो अशुभ है, इस वजह से इस दिन मुहूर्त करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, और फिर हमें कोई उचित मुहूर्त दिया जाता है। तो मित्रों, चंद्रमा ऐसा क्या होता है कि उस दिन शुभ नहीं होता है, और इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में बताऊंगा। मित्रों, जब आपकी जन्म राशि से चंद्रमा छठे और आठवीं राशि का हो, यह आपकी जन्म राशि है, समझिए मेष आपकी जन्म राशि और चंद्रमा कन्या राशि या वृश्चिक राशि का है, तो 6-8 योग बन रहा है, और 6-8 का योग अशुभ होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि छठा भाव और आठवां भाव जो है आपके चंद्र लग्न से, वो आपको रोग यानी आपके स्वास्थ्य संबंधित आपको परेशानियां देगा। ऋण यानी अगर इस समय में आप किसी को उधार देते हो या कुछ किसी वस्तु को खरीदते हो, लोन पर खरीदते हो, तो वो चुका नहीं पाओगे और कर्जा बढ़ जाएगा। फिर शत्रु, हो सकता है कि आपने कुछ वस्तु जो है लोन पे खरीद रहे हो और आप लोन चुका नहीं पाओ, तो इससे आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं, या इस राशि के व्यक्ति जो है आपके शत्रु भी हो सकते हैं। मित्रों, अब मैं बात करता हूँ कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान का नाम आपकी जन्म राशि से छठी या आठवीं राशि से स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्थान आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। वहाँ का वातावरण जो है आपके लिए कभी भी ठीक नहीं रहेगा, ऐसे वातावरण में आपका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जाएगा। आप वहाँ एकदम सुडौल और स्वस्थ होना तो दूर की बात, आप दुबले पतले हो जाओगे, क्योंकि ये जो इस राशि होती है, ऐसे जहाँ से यानी आपकी जन्म राशि से छठे या आठवीं राशि से जिस स्थान का नाम स्टार्ट हो रहा है, वो स्थान आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहते। अगर ऐसे स्थान पर आप रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी मनोदशा अच्छी नहीं रहेगी, आपका वहाँ उस व्यापार में या नौकरी में मन नहीं लगेगा, आपका मन विचलित होता रहेगा, आपके दिमाग में उल्टे उल्टे विचार आएंगे, और कभी कभी क्या होगा कि आप फिजूल में अपना समय व्यर्थ करेंगे और नौकरी पर नहीं जाएंगे, तो इस वजह से शायद आपको बार बार वहाँ पर कई नौकरियाँ बदलनी भी पड़ सकती है। फिर आगे की बात करें तो अगर आपकी नाम राशि से किसी व्यक्ति की छठी या आठवीं राशि से नाम स्टार्ट हो रहा है, यानी आपके आपका नाम है समझो कि अनिल, और एक व्यक्ति है जिसका नाम प से प्रवीण हो या न से नवीन हो, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ में आप मित्रता करते हैं, ये मेष राशि का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि 12 राशि का उदाहरण आपके सामने रखना पॉसिबल नहीं है, ये आप समझ सकते हैं कि आपकी जन्म राशि से छठी और आठवीं राशि जो है, अगर ऐसी राशि का व्यक्ति आपका मित्र होता है तो वो व्यक्ति कभी भी आपकी सहायता नहीं करेगा, वो कभी भी वो एक तरह से अंदरूनी शत्रु होगा, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है उसी तरह वह अंदर ही अंदर से आपको खोखला करता रहेगा। ऐसी राशि से जिसका नाम शुरुआत होती है, जिसके नाम की, उस व्यक्ति को आप मित्र भी ना रखें, उनके साथ में मित्रता नहीं करें। फिर बात करते हैं व्यापार की, आप अगर किसी कोई व्यापार करना चाह रहे हैं और व्यापार का नाम रखना चाह रहे हैं, तो आपकी जन्म राशि से छठे या आठवीं राशि जो है उस पे उस व्यापार का नाम शुरू नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो आपके लिए वो व्यापार नुकसानदायक होगा। अगर कर्ज लेकर आप व्यापार करेंगे तो आपको हानि ही होगी, आपको उसमें कभी मुनाफा नहीं होगा। जो आप उम्मीद रखते हैं कि इस तरह से हमें फल मिलना चाहिए या इस व्यापार में ये रिजल्ट आना चाहिए, 2 साल बाद में मेरा घर का घर हो जाना चाहिए, वो बंगला हो जाना चाहिए, गाड़ी हो जानी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो वो सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो इस आपके लिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपकी राशि से छठी राशि कन्या और आठवीं राशि वृश्चिक राशि आपके लिए कभी भी शुभ नहीं होगी।
तो मेष राशि के लिए षडाष्टक इन राशियों के साथ में होता है। तो इसी तरह वृषभ राशि के लिए तुला राशि और धनु राशि के साथ में षडाष्टक होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ये था षडाष्टक योग के बारे में जानकारी। तो अगली बार हम किसी और योग के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।